नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर एक नई नोटिफिकेशन इशू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स 18 मई 2021 को यह जीएसटी नोटिफिकेशन इशू की गई है और जिसके अंदर बेसिकली जीएसटी रूल्स को अमेंड किया गया है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जीएसटी रूल्स को अमेंड किया गया है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साथ ही आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे बहुत ही अच्छे और यूजफुल कोर्सेज को। सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स जो कि मोस्ट पॉपुलर कोर्स रहा है, सर्टिफाइड TDS कोर्स, इनकम टैक्स कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही 10 जून 2021 से हमारा नया कोर्स BA प्रोफेशनल अकाउंटेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप जल्दी से इनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स है 100 मेंबर्स की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि GST रूल्स में क्या अमेंडमेंट्स लाई गई है। इस PDF फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सभी PDF फाइल्स आपको दी जाती है डाउनलोड करने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं रूल 23 जिसको अमेंड किया गया है, और रूल 23 बात करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। तो कैंसलेशन के लिए जब आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो बेसिकली जो CGST एक्ट है उसके अंदर बताया गया है कि इस टाइम पीरियड को जिसके लिए आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसको 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोविजंस था अभी तक सिर्फ एक्ट के अंदर था, इसको रूल्स के अंदर नोटिफाई नहीं किया गया था, तो यहां पर रूल्स के अंदर भी इस बात को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। इन रूल 23 इन सब रूल 1 आफ्टर द वर्ड्स डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द वर्ड्स एंड फिगर्स और विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर और द कमिश्नर एज द केस मे बी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30। तो बेसिकली सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 में जो प्रोविजो है उसके तहत जो है टाइम लिमिट एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर और द कमिश्नर। अगर आप टाइमली रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में इस टाइम पीरियड को सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 प्रोविजो के तहत एक्सटेंड कराया जा सकता है, और अब यह बात रूल्स में भी नोटिफाई कर दी गई है। उसके बाद रूल 90 में चेंज किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा चेंज है। बेसिकली रूल 90 में बताया गया है कि जब आप GST RFD 01 फॉर्म फाइल करते हैं रिफंड के लिए आप फॉर्म GST RFD 01 फाइल करते हैं, और उस फॉर्म को फाइल करने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसीज जो है आपको नोटिफाई की जाती है, आपको बताई जाती है फॉर्म GST RFD 03 में, तो ऐसे में यहां पर बताया गया कि फॉर्म GST RFD 03 में जो आपको डेफिशिएंसीज बताई जाती है वो पीरियड अब जो है आपका एक्सक्लूड किया जाएगा। किस चीज़ के लिए एक्सक्लूड किया जाएगा? बेसिकली आप जो रिफंड फाइल करते हैं वो आप रेलिवेंट डेट से 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर वह रिफंड आप फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने आपका जो 2 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे वो मान लीजिए आपके कंप्लीट हो रहे थे 10 मई को, आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की 1 मई को, तो ऐसे में 1 मई को जब आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की और मान लीजिए 11th ऑफ मई को GST RFD 03 के अंदर आपको डेफिशिएंसीज बताई गई, तो ऐसे में 11th मई के बाद जब आपको डेफिशिएंसीज बताई जाती है तो ये जो 11 डेज है
अगर इसको इंक्लूड कर लिया गया और आपकी रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऐसे में आप फिर से रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते, क्योंकि जो है आपका 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है वो 10th of May को जो है एक्सपायर हो चुका है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि इस 11 डेज के पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, provided that the time period from the date of filing of the refund claim in form GST RFD 01 till the date of communication of the deficiencies in form GST RFD 03 by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified under subsection 1 of section 54 in respect of any such फ्रेश रिफंड क्लेम फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज। तो ऐसे में आप डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई करने के बाद जब फ्रेश रिफंड क्लेम अगर फाइल करते हैं, तो ऐसे में इस पीरियड को 11 डेज के पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द 2 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर सब रूल 4 है, जो बेसिकली आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल्स शैल बी इंसर्टेड। तो सब रूल 4 के बाद ये जो सब रूल है वो इंसर्ट किए जाएंगे, जिसके अंदर बेसिकली बात की गई है कि अगर मान लीजिए आपने कोई जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन मूव की है, कोई फाइल की है आपने एप्लीकेशन, और उसके बाद आपका जो रिफंड है वो सैंक्शन कर दिया जाता है, और सैंक्शन कर जैसे ही सैंक्शन किया जाता है आपके क्रेडिट लेजर से, आपके कैश लेजर से उतनी अमाउंट जो है कम कर दी जाती है, और मान लीजिए सैंक्शन करने के बाद आप इस रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो क्रेडिट लेजर कैश लेजर से जो बैलेंस कम किया जा रहा था उसको वापस से रिस्टोर नहीं किया जा रहा था। तो इसी के रिगार्डिंग यहां पर यह सब रूल इंसर्ट किया गया, द एप्लीकेशन में द एप्लीकेंट मे एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 04, सैंक्शन ऑर्डर इशू करने से पहले प्रोविजनल, या फिर फाइनल सैंक्शन ऑर्डर इन जीएसटी आरएफडी 06 इशू करने से पहले, या फिर पेमेंट ऑर्डर इन जीएसटी आरएफडी 05, या फिर रिफंड विद होल्ड ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07, या फिर नोटिस इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 08, इन सभी से पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म जीएसडी आरएफडी 01 विड्रॉ द सेड एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय फाइलिंग द एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसडी आरएफडी 01W। तो आप बेसिकली यहां पर आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी रिफंड एप्लीकेशन को बाय द फॉर्म जीएसडी आरएफडी 01W से। ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉ ऑफ रिफंड इन फॉर्म जीएसडी आरएफडी 01W एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द एप्लीकेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज द केस मे बी वाइल फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन फॉर्म जीएसडी आरएफडी 01 शैल बी क्रेडिटेड बैक टू द लेजर फ्रॉम विच सच डेबिट वॉज मेड। तो जहां से भी उस अमाउंट को डेबिट किया गया था, अब वहां पर उस अमाउंट को फिर से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर बता दिया गया है कि सैंक्शन ऑर्डर इशू करने से पहले आप जो है अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं इन फॉर्म जीएसडी आरएफडी 01W के जरिए, और जो है आपका जो भी अमाउंट डेबिट किया गया है उसको वापस वहीं पर रिस्टोर कर दिया जाएगा, क्रेडिट बैक कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है मेजर चेंजेस किए गए हैं जीएसटी रूल्स के अंदर। आपको रिवोकेशन के लिए यहाँ पर फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड अलाउड किया गया है रूल्स के अंदर। उसके अलावा जो है रिफंड एप्लीकेशन के लिए जो डेफिशिएंसी जो आपको रेक्टिफाई करनी होती है और आप जो फ्रेश क्लेम फाइल करते हैं उसके लिए जो पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा विड्रॉल एप्लीकेशन जो है जीएसटी रिफंड के लिए आपको जो फॉर्म है जीएसटी आरएफडी 01W नोटिफाई कर दिया गया है, साथ ही जिस भी लेजर से आपका अमाउंट डेबिट किया जाएगा वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप भी सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स जीएसटी टीडीएस, तो ऐसे में आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।